Hi everyone, so welcome back to my channel and I am back with my new makeup tutorial. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक ग्लैम लुक, लेकिन जिसे क्रिएट करना बहुत ही इजी है एंड आप चाहो तो अपने लिप कलर कस्टमाइज, मतलब आपके अकॉर्डिंग भी कोई अलग सा कलर भी चूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक, सो देन लेट्स गेट स्टार्टेड. So I'm starting off with my eye, with my eyelid or eyeshadow. So first I am patting this warm brown kind of a color to the outer 1/3 of my eyelid, and then I am blending it with a smaller blending brush, and then I'm taking that shade with that previous brush and I am patting it to up to my crease, and then I am just blending it out with that same smaller blending brush. Next I'm moving on to this lighter shade and I am choosing a big fluffy blending brush and blending it properly, and then I am patting some color to the outer 1/3 of my eyelid. Then I am taking that glittery kind of a shade, and then I am applying it with a flat brush. And now for more intensity, I am using this same color with my fingers. गाइस, फिंगर्स में हमारा एक वॉर्म्थ होता है, इसी वजह से कोई भी ग्लिटरी आई शेडो अगर आप फिंगर्स से इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आता है. देन आई एम ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली एंड देन आई एम जस्ट इंटेंसिफाइंग दैट ग्लिटरी शेड. नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू आई लाइनर. फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग द लैक्मे इंस्टा लाइनर एंड आई एम क्रिएटिंग अ विंग्ड लाइनर. And I'm creating the winged properly, and I'm same doing this to the other eye. So the 80% of our eyes are done. Now I am correcting with the Elegal Pro Conceal in the shade Almond. And guys, आपको देख के समझ आ रहा ही होगा कि मैंने false lashes लगा लिया है, and मैं जहाँ भी थोड़ा सा pigmentation और discoloration है मेरे face पे, वहाँ पे मैं ये corrector apply कर रही हूँ, and then with the damp beauty blender I am blending it properly ताकि कोई भी dark spots correct हो जाए जो भी मेरे face में है. एंड नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू इट्स अ ड्यूवी लुक, तो इसी वजह से मैं ग्लो एक इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ द स्टोप क्रीम बाई मैक, एंड मैं उसके बाद अपने फिंगर्स से अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ टू गेट द ड्यूवी लुक. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू कंसीलर. मैं पहले कंसील कर लूँगी, देन आई विल अप्लाई द फाउंडेशन. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग द मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम और 25, एंड जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ पर ही ये यूज़ कर रही हूँ. एंड देन विद द यूजिंग ऑफ दैट डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जब स्टैम्पिंग इट, एंड अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ. एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू फाउंडेशन. फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन, एंड आई एम यूजिंग इट विथ अ फ्लैट ब्रश. एंड पहले मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी फेस पे, एंड इसके बाद मैं फिर से एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी लाइक एक्सेस प्रोडक्ट मेरे फेस में ना रह जाए. सो मैं जस्ट मेक श्योर करने के लिए मैं उस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से और एक बार इसको अच्छे से डैम्प कर लूँगी. और थोड़ा सा मैं ज़्यादा फाउंडेशन अपने आँखों के नीचे लगाऊंगी ताकि डल ना लगे मेरी आईज, एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपनी फाउंडेशन को.
Next, I am moving on to highlighting concealer. For highlighting concealer, I am using Maybelline Fit Me Concealer in the shade 20 Sand. And मैं फिर से इसको अच्छे से blend कर दूँगी with the help of that damp beauty blender, ताकि एक अच्छे से मेरा look आए. इस लुक में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है वो लाइट कवरेज फाउंडेशन है. दैट्स वाई आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो. एंड नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू पाउडर. फॉर पाउडर यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर और वॉट एवर पाउडर यू हैव. आई एम यूजिंग द लूज पाउडर एंड मैं जहाँ भी कंसील किया है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन आई विल डस्ट अप द एक्सेस पाउडर यूजिंग अ ब्रश. एंड अभी मैं ब्रश की मदद से एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ. एंड इसके बाद आप चाहो तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा डैप कर सकते हो. एंड नाउ नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू द लोअर लैश लाइन. मैंने पहले भी कहा था 20% आई मेकअप बाकी है, तो इसी वजह से पहले मैं एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश पे एक वार्म ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था वही मैं पिकअप कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू काजल. एंड फॉर काजल आई एम यूजिंग द नायका काजल. एंड मैं उसको थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ टू माई लोअर लैश लाइन. देन आई विल ब्लेंडिंग विद दैट ब्लेंडिंग ब्रश. और मैं इसको अच्छे से थोड़ा ब्लेंडिंग कर लूँगी. एंड अभी मैं थोड़ा सा एक क्लीन ब्रश को लेकर फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू मस्कारा. फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग द मेबलिन फिट मी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. एंड दिस इज द वाटर प्रूफ वन. सो मस्कारा इज डन गाइज. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग. एंड आई एम यूजिंग द रिमल ब्रॉन्जर. एंड मैं इसको अच्छे से अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू गिव माई फेस अ बिट डेफिनेशन. एंड मैं उसको अच्छे से इसके बाद ब्रॉन्जर लगाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत है ताकि वो लुक थोड़ा सा कोई भी हार्श लाइंस ना रहे. एंड देन मैं इसको ब्रश से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी एक बार डैप कर सकते हो ताकि कोई भी अगर एक्सेस प्रोडक्ट हो तो ना रहे. एंड देन आई विल कॉन्टोर माई नोज़ विद दैट हेल्प ऑफ दैट सेम रिमेल ब्रॉन्जर. एंड मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अब थोड़ा सा डैप कर रही हूँ ताकि कोई एक्सेस पाउडर ना रहे. नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू ब्लश. फॉर ब्लश आई एम यूजिंग द मेबलिन मस्टर्ड ब्लश पैलेट. एंड आई एम मिक्सिंग ऑफ द थ्री ब्लश शेड टुगेदर. एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई चीक्स जस्ट टू गिव माई चीक्स अ फ्लश ऑफ कलर. एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप कर दूंगी ताकि एक्सेस पाउडर ये एक्सेस कोई भी ब्लश ये ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर ले. एंड देन ये हो जाने के बाद आई एम मूविंग ऑन टू हाईलाइटर. फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग द मेकअप रेवोल्यूशन हाईलाइटर. एंड मैं सब शेड्स को मिक्स करके जहाँ पे भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी अपने हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस पे ये अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द फैन ब्रश. गाइज अगर आप हाईलाइटर अप्लाई करो तो एक बार फैन ब्रश से अप्लाई करके देखो गाइज, यू वांट टू सी द डिफरेंस. And it will make my face so glowy and dewy. And then I am moving on to lips. And for lips I am using a matte color which is the Lakme Absolute Matte Melt Lip Color in the shade Crushed Caramel, which is a beautiful brown shade. I love the brown shade so much and I am applying it. आप चाहो तो कोई भी, अगर आप चाहो तो पिंक वाला कोई पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो इस आई मेकअप के साथ. पिंक कलर या फिर कोई कोरल काइंड ऑफ अ शेड भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो. सो मैं अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ दिस ये वाला जो लिप प्रोडक्ट है.
सो गाइस आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ ज़रूर आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी लौट आऊँगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।